भिवानी में देशभक्तों और सेना को सलाम किया गया। पाकिस्तान पर हमला कर शहीदों की शहादत का बदला लेने की खुशी को लेकर शहर में दिए जलाए गए और शहीदों को याद कर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। यही नहीं, लोगों ने अपने घरों के सामने और दीवारों पर दीपक जलाकर शहीदों की शहादत को श्रद्धांजलि दी और सेना के जज्बे को सलाम किया। लोगों ने कहा कि उन्हें बड़ी खुशी है कि सेना ने पाकिस्तान पर हमला कर आतंकवादियों को मारकर पुलवामा का बदला लिया है। लोगों ने कहा कि आज उन्होंने देशभक्तों को सलाम किया है और सेना की इस बड़ी कामयाबी पर अपने घरों में दीपक जलाकर खुशी मनाई है। वहीं महंत चरणदास महाराज ने कहा कि उन्होंने भगवान से प्रार्थना की है कि भगवान पाकिस्तान को सद्बुद्धि दे ताकि वह पायलट को सुरक्षित भारत लौटाए। हमने आज भगवान से प्रार्थना की है कि हमारा जो वायुसेना का जो पायलट है जो कि मिस गाइडिंग से या चूक से पाकिस्तान की सीमा में चला गया है, तो भगवान पाकिस्तान सरकार को सद्बुद्धि दे और हमारे जो वीर जवान को, पायलट को, सैनिक को जल्दी से जल्दी हमारे देश को लौटाएं। इसमें ही दोनों देशों की आपसी आगे भाईचारा बन सकता है, शांति बन सकती है। आज हमने पुलवामा में जो हमारे सैनिक शहीद हुए थे उनको आज हमने दिए जलाकर श्रद्धांजलि दी है और हनुमान डाणी के सभी ग्रामवासियों ने श्रद्धांजलि दी। दीवे जलाकर घर घर दीवा जलाया गया और आज हमारी सेना ने जो पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमारे सैनिकों ने, हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए थे 42 के 42 शहीद जो हुए थे उनका आज बदला लिया है और उनके अंदर घुसकर हम पाकिस्तान को बता देना चाहते हैं कि हमारे जो भारत के जो सैनिक है वो पाकिस्तान से कम नहीं। अगर हम बदला लेना चाहें तो घर में घुसकर बदला ले सकते हैं।